हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन दी रन के रिव्यू के बारे में। दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन दी रन ये एक एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया। फिल्म को डायरेक्ट किया है टिम हिल ने और ये फिल्म स्पंजबॉब के यूनिवर्स की थर्ड फिल्म है। कहानी फोकस करती है स्पंजबॉब और उसके बेस्ट फ्रेंड गैरी पर, जहाँ गैरी किडनैप हो जाता है, जिसके बाद स्पंजबॉब अपने फ्रेंड पैट्रिक के साथ निकल पड़ता है एक रोड ट्रिप पर गैरी को बचाने। पर गैरी को किसने किडनैप किया है और वो कहाँ है और क्या स्पंजबॉब पैट्रिक्स मिलकर गैरी को बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा जिसका नाम है दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन दी रन। तो फ्रेंड्स, एनिमेटेड फिल्म सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी काफ़ी पसंद आती है और स्टूडियो की तरफ से भी अब एनिमेटेड फिल्मों को कुछ इसी तरह से बनाया जाता है कि ये सभी को पसंद आए। पर स्पंजबॉब की फिल्म के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिल्म को बच्चों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है और स्पंजबॉब फैंस को भी। क्योंकि बात करूँ प्लॉट की तो फिल्म का प्लॉट स्पंजबॉब के शो के एक एपिसोड से ही अडेप्ट किया गया है, जो ना ही नया है और ना ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आप इस फिल्म को पूरे टाइम इंजॉय करें। पर जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म को बच्चों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, जो बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बात करूँ डायरेक्शन की तो फिल्म को डायरेक्ट किया है टिम हिल ने और फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया है। वहीं फैंस को जो चाहिए था वो उन्हें फाइनली मिल गया है, स्पंजबॉब की 3D एनिमेशन फिल्म जिसका एनिमेशन स्टाइल काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं फिल्म में वॉइस दी है एक्टर टिम कैनी, ऑकोफीना, कैरोलिन लॉरेंस, क्लैंसी ब्राउन और बिल फैकरबैकी ने, और इनके साथ साथ बाकी एक्टर्स को भी मिला लो तो सभी एक्टर्स की वॉइस एक्टिंग फिल्म में बढ़िया है। और अब बात कर लेते हैं कि फिल्म बाकी मामलों में कैसी है, जैसे फिल्म का BGM जो फिल्म के हिसाब से ठीक है और एडिटिंग भी फास्ट पेस तरीके से की गई है और फिल्म में कॉमेडी भी ठीक है जो बच्चों को तो जरूर हंसाएगी। तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये एक एवरेज एनिमेशन फिल्म है जो बच्चों को तो काफी ज्यादा पसंद आएगी और स्पंजबॉब फैंस को भी, जिसे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन दी रन को मैं दूंगा 2.5 stars। तो फ्रेंड्स, ये था दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन दी रन को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।